नहीं थम रहा पठान पर विवाद। पठान के विवाद में अब कूद पड़े बागेश्वर धाम महाराज। आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दिलाई फिल्म के बहिष्कार की सौगंध। फिल्म पठान के विरोध में अब बागेश्वर धाम की भी एंट्री हो गई है। आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पठान के बायकॉट का ऐलान कर दिया। देश भर के सनातनियों को पठान जैसी किसी भी फिल्म का विरोध करने की सौगंध दिलाई। उन्होंने कहा कि जो भी सनातन का विरोध करे, वो फिर नेता हो या अभिनेता, उसका बायकॉट करना जरूरी है। इतना ही नहीं, आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने आमिर खान का नाम लिए बगैर कहा कि इससे पहले भी एक अभिनेता के फिल्म का आप लोगों ने बायकॉट किया था, जिसके नाम के बाद खान लगा था। एक ही झटके में कलावा पहनने लगा और टीका लगाने लगा। और तो और, अब लोग वैष्णो देवी के धाम के भी चक्कर काटने लगे हैं। ये सनातन की ताकत है, इसलिए जो कोई भी सनातन का विरोध करे, उसका बायकॉट कर दो। तुम्हें सौगंध है पूरे भारत के लोगों को, तुम्हें शपथ है जो सनातन का विरोध करे, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। देखो, तुमने एक अभिनेता की फिल्म करी थी बायकॉट, से सारो जो है कलावा बांधन लगो, तिलक लगाऊं लगो। हाँ, और वैष्णो देवी मंदिर जाने लगे जिनके नाम के पीछे लिखो KHAN। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बागेश्वर धाम ने कोई विवादित मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी हो। इससे पहले भी उनके कई बयानों पर बखेड़ा खड़ा हो चुका है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इससे पहले एक विवादित बयान दिया था। कहा था कि जब सनातन धर्म में पूजा के लिए 33 करोड़ देवी देवता मौजूद हैं, तो फिर चांद मियां को पूजने की जरूरत क्या है। मंदिरों में साईं की प्रतिमा को पूजने पर भी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का समर्थन किया था। इतना ही नहीं, देश के बहुचर्चित श्रद्धा मर्डर केस में भी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग स्वयं जागरूक नहीं हैं, हिंदुओं में स्वयं एकता नहीं है। अगर यही कृत्य हिंदू करता तो अभी तक देश में दंगों की स्थिति हो जाती, अब तक सरकारें बदल जाती, उलटफेर हो जाते। इसमें हमारी और आपकी कमी है, हम एकजुट नहीं हैं। ये हमारी ही कमी है कि हम जागरूक नहीं हैं। दूसरे धर्म के लोग खुद को लगातार मजबूत कर रहे हैं और सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि सनातन संस्कृति भारत की बेटियों पर, भारत के संतों पर, हमारे भारत की अस्मिता पर लगातार षड्यंत्र कर उन्हें फंसा रही है। हम लोग सो रहे हैं। आपको बता दें कि आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इस वक्त देश के सबसे प्रख्यात और डिमांडिंग कथावाचक हैं। उनकी एक एक सत्संग में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। उनके चमत्कारों से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यही वजह है कि बागेश्वर धाम महाराज के पठान का विरोध करने के ऐलान के बाद अब पठान की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। इससे पहले अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी पठान का विरोध करते हुए कहा था कि जिस थिएटर में पठान फिल्म लगे, उसे जला देना चाहिए। लगातार इस प्रयास में रहता है किस प्रकार सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाएं, हिंदू देवी देवता का किस प्रकार से अपमान किया जाए, साधु संतों का रंग या राष्ट्र का रंग या देश का रंग, सनातन संस्कृति का रंग भगवे का जिस प्रकार से पठान पिक्चर में दीपिका पादुकोण के द्वारा एक बिकनी के रूप में और हमारे आत्मा की ठेस पहुँचाई जा रही है, ये बहुत दुखद है। मुझको लगता है देश के लमसम 100% लोगों के मन में भाव है कि जिस प्रकार से शाहरुख खान लगातार एक नहीं अनेक बार ऐसे सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाने में सहभागिता उनकी रही है, तत्काल देख लीजिए दीपिका पादुकोण क्या जरूरत था, भगवा वस्त्र उस प्रकार से विघ्न के रूप में पहनकर और नंगा प्रदर्शन करना या आस्था से ठेस पहुंचाना हो गया, और कुछ नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं दर्शकों से कि ऐसे पिक्चर का बहिष्कार करो, जहां भी जिस थिएटर में लगे उसको फूंक दो। नहीं फूंकोगे तो ये मानने वाले नहीं है, जैसे को तैसा
करना पड़ता है दुष्टों के साथ। जब दुष्टता पूर्ण व्यवहार नहीं करोगे तो इसके ऊपर कंट्रोल आप नहीं लगा सकते। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।